किताबियों के शरारे पीछे हैं, ये सावन की रिमझिम झड़ी है। कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं, ये मदहोशियों की घड़ी है। बरसात के दिन आए, मुलाकात बिहार में आज से भारी वर्षा होना स्टार्ट हो चुकी है। और दोस्तों, मौसम विभाग की माने तो बिहार में अगले 72 घंटे तक आंधी, तूफान, बारिश और भारी हाई अलर्ट है बिहार में। बिहार में उन जिलों जो उत्तर बिहार के तरफ जो जिले पड़ते हैं, सिवान और गोपालगंज, छपरा, सीतामढ़ी, दरभंगा, ETC वगैरह, जितने भी बिहार के उत्तर बिहार में जो जिले पड़ते हैं, उधर हाई अलर्ट है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में 24 सितंबर यानी आज से भारी वर्षा की चेतावनी दी गई है। विशेषकर आज के दिन जितने भी उत्तर बिहार के जितने भी जिले हैं, उन्हें मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ वज्रपात और संभावना भी जताई है। दोस्तों, मैं अपनी राय मानूं तो आपदा प्रबंधन के विभाग ने पहले ही जिलों के इससे निपटने के लिए आवश्यक तैयारी करने को कह दिया गया। जैसे कि मैं आप सभी से बता दूं कि जो आम लोग जो बारिश और बिजली चमकने के दौरान घर से बाहर नहीं निकलना है, इसे और अपील की है मौसम विभाग ने कि जितने भी मध्यम लोगों को घरों से बाहर ना निकले, और चेतावनी दी गई है कि बाहर निकलने से फिर दिक्कत हो सकता है उनको। दोस्तों, बिहार में अगले 72 घंटे के दौरान मेघ गर्जन के साथ भारी बारिश और वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग ने कुछ जगहों के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दोस्तों, आपदा प्रबंधन विभाग ने हर जिले को अलर्ट कर दिया है। खासतौर पे ठनके को लेकर किसानों को चेतावनी दी है। बादल गरजने के समय पक्के मकानों की सड़ने, खेत में, पटना समेत कई जिलों में तेज बारिश का भी अलर्ट किया गया है। पटना स्थित मौसम विभाग केंद्र जो कि मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने एवं कम दबाव के वजह से बिहार में मौसम बदल रहा है। यह वजह के सोमवार रात को पटना समेत कई इलाकों में बारिश हुई, और दोस्तों जिससे चलते प्रदेश में बुधवार से लेकर शनिवार तक बारिश में तेज़ी से आशंका जताई गई। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो हाई अलर्ट बिहार के उत्तर बिहार के जो भी जिले हैं उसमें से जिले हैं नालंदा, गया, शेखपुरा, बेगूसराय, नवादा, पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा आदि जिलों में भी गरज के साथ भारी बारिश की संभावना है। वैशाली, समस्तीपुर, सुपैल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, इस सब में भी भारी बारिश की आशंका जताई गई है। दोस्तों, मौसम विभाग का मानना है कि, और इसमें उन्होंने हाई अलर्ट ये जारी किया है कि इसमें अपने इस दौरान बारिश के दौरान घरों से बाहर नहीं निकलना है। और इससे पहले मौसम विभाग की ओर से बताया गया कि जून जुलाई के महीने में खूब बारिश की अगस्त की तुलना में ज़्यादा हुई थी। जुलाई अंत तक राज्यों में लगभग 45% से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, हालांकि अगस्त में इसकी तीव्रता कम हो। तो मौसम विभाग का लास्ट में ये कहना है कि बारिश की बहुत हाई अलर्ट है अपने बिहार में, और ज़्यादातर सिवान, गोपालगंज और जितने भी आसपास के ज़िले हैं, चंपारण, सीतामढ़ी, दरभंगा, ये सब में। और दोस्तों, इस दौरान आप घर से बाहर ना निकले कि गर्जन और बहुत ज़्यादा हाई अलर्ट है। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट के लिए आप हमारे चैनल द सिवान बिहार को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें हमारे इस वीडियो को। तो ऐसे ही अपडेट के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।